बॉलीवुड सितारे अपने अभिनय और फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, इन्हीं वजह से वो चर्चाओं में रहते हैं। मगर कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जो अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी नेक दिली को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं। इस फहरिस्त में वो स्टार्स भी हैं जिन्होंने अनाथ बच्चों को गोद लेकर उनकी जिंदगी को खूबसूरत बनाया है। जी हाँ, बॉलीवुड में ऐसे कई हीरो हीरोइंस हैं जिन्होंने अनाथ बच्चों को प्यार दिया है और उनकी जिंदगी में रंग भरे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं स्टार्स के बारे में। रवीना टंडन। रवीना टंडन 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक बेहद शानदार इंसान भी है। रवीना टंडन ने 21 साल की उम्र में दो बच्चियों को गोद लिया था। उन्होंने दोनों बच्चियों को एक नई जिंदगी दी। रवीना टंडन ने अपनी बेटियों का नाम पूजा और छाया रखा। रवीना ने दोनों बेटियों को काफी अच्छी परवरिश दी, उन्हें पढ़ाया लिखाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस अपनी दोनों बेटियों की शादी भी कर चुकी है। सुष्मिता सेन। पूर्व ब्रह्मांड सुंदरी और शानदार एक्ट्रेस सुष्मिता सेन आए दिन मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं। निजी जिंदगी की बात करें तो सुष्मिता अविवाहित हैं, हालांकि वो दो बेटियों की सिंगल मदर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुष्मिता ने दोनों बेटियों रेने और अलीशा को गोद लिया है। दोनों बेटियों पर सुष अपनी जान लुटाती हैं। सोशल मीडिया पर भी वो अक्सर उनके साथ फोटोज शेयर करती नजर आती हैं। मिथुन चक्रवर्ती। अनाथ बच्चों को नई जिंदगी देने की लिस्ट में मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती के चार बच्चे हैं, जिनमें से उन्होंने अपनी छोटी बेटी दिशानी को कूड़े के ढेर से पाया था। मिथुन चक्रवर्ती ने इस बच्ची को अपना नाम दिया और शानदार तरीके से परवरिश की। मंदिरा बेदी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड अभिनेत्री मंदिरा बेदी ने जबलपुर के अनाथालय से तारा नाम की एक बच्ची को गोद लिया था। उन्होंने कानूनी तौर पर तारा को अपनी बेटी माना और उसे नई जिंदगी दी। सनी लियोनी। अपनी बोल्डनेस को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली एक्ट्रेस सनी लियोनी ने साल 2017 में महाराष्ट्र के लातूर से एक बच्ची को गोद लिया था। इस बच्ची का नाम उन्होंने निशा कौर वेबर रखा। दरिया दिल सनी लियोनी बच्ची को अच्छी शिक्षा दे रही हैं। निशा के अलावा सनी दो जुड़वा बेटों की भी माँ हैं।